गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 9A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। ओके क्लास, सो लिसन टू मी। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लियर क्लास? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको ये बताना है क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब आपको वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित पॉलीनोमियल मतलब बहुपदों का कि कौन सा मोनोमियल है, बायोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ओके क्लास, सो इन अ प्रीवियस क्लास विल बी अंडरस्टैंड, यू विल बी अंडरस्टैंड द मोनोमियल। मोनोमियल मींस जिसमें वन टर्म हो, बायोनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म हो और ट्राइनोमियल मतलब जिसमें थ्री टर्म हो। ओके क्लास, सो क्लियर। सो दिस क्वेश्चन इज दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 7 + 2y प्लस 5x, क्लियर? सो वी आर सीइंग द थ्री टर्म 1, 2 एंड 3। सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ पॉलीनोमियल? ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल। सो जाएगा ट्राइनोमियल, क्लियर? ट्राइनोमियल। एंड दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2y प्लस 3y, इट्स मींस 1 एंड 2, इट्स मींस बायनोमियल। सो बायनोमियल टर्म, क्लियर क्लास? सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, मतलब दिए गए बहुपदों की क्या डिग्री, घात तक का है, घात का है। इट्स मींस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, -13x2। इट्स मींस डिग्री मींस पावर, पावर मतलब घात, जो उसकी पावर लगी होती है, इट्स मींस जो मैक्सिमम पावर होती है, जो अधिकतम जो घातांक होता है, पावर होती है, जो डिग्री होती है, उसी को हम लोग लिखते हैं। क्लियर? इन डिक्रीजिंग बट इट्स मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर हम देखते हैं, सबसे पहले जो होती है, जो सबसे ज्यादा डिग्री होती है, वही हमारा आंसर होता है। क्लियर क्लास? सो इट्स डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक? यस, द मैक्सिमम डिग्री इन दिस क्वेश्चन 2 एंड 2, सो दैट इज द डिग्री इज 2, क्लियर? इट इज अ इजी क्वेश्चन। ओके क्लास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्लास, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई फॉलोइंग एज लाइक और अनलाइक। आपको ये बताना है निम्नलिखित दिए गए पदों को वर्गीकृत करिए कि कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है। क्लियर क्लास? सो इन अ प्रीवियस वीडियो यू विल बी वॉच, आप देखे होंगे, तो पता चला होगा लाइक और अनलाइक टर्म का। लाइक मींस जिसमें आपके द वेरिएबल एंड वेरिएबल्स आर इक्वल्स, वेरिएबल्स एंड अल्फाबेट्स इक्वल्स एंड बट डिफरेंट कोफिशिएंट, इट मींस कांस्टेंट। क्लियर क्लास? सो कहने का मतलब है जिनका ये जो वेरिएबल है वो सेम है, वो लाइक है, जिनका नहीं है वो क्या है, अनलाइक है, जिसका ये भी नहीं लाइक होना चाहिए। सो आप यहां देख सकते हो, चाहे आप एक्स वाई का हो या वाई एक्स का हो, इट्स मींस सेम टर्म, सो इट इज अ लाइक टर्म। सो इट इज अ लाइक टर्म एंड देखिए P Q square and P square Q, it's a different because ये P है, ये P square, Q square, Q है, और ये देखिए ये 4 है, 3 है, totally different, so unlike term. Like term के लिए कहने का मतलब ये है कि आपके variables same होने चाहिए। Clear class? Okay. If you add it out to contact you, class. Next question. So class, question number next, 6, question number 6, arrange the term of the following polynomial in descending order of their degrees. कह रहा है कि arrange मतलब व्यवस्थित करिए, term मतलब उनके पदों को, of मतलब के निम्नलिखित बहुपदों के in descending order of their degrees. कह रहा है उनको घटते हुए क्रम में उनके डिग्री के अनुरूप उनको व्यवस्थित करिए। Clear class? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इनके डिग्री के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 7x^4, सबसे बड़ी डिग्री डिसेंडिंग मतलब घटता होगा, इससे छोटी डिग्री इनफिनिटी यानी -3x³, फिर से छोटी इनफिनिटी 5x² इज सबसे छोटी इनफिनिटी बाय, क्योंकि हम कुछ नहीं तो 1 पावर है और ये वेरिएबल एक्चुअली अभी नोट है इसलिए, सो -x + 2 इट्स योर आंसर। ओके क्लास, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ एनी क्वेश्चन सो टेल मी। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।